नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, कैसे हो? सारे बढ़िया ही होंगे। तो यार मैं आया हूँ इस समय शिरडी, और अभी हमारा प्लान है औरंगाबाद जाने का। टैक्सी वगैरह हमने सब बुक कर लिया, वो भी नीचे खड़ी हुई है। औरंगाबाद है ऑलमोस्ट यहाँ से 110 किलोमीटर्स, तो जाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। औरंगाबाद जा रहे हैं हम लोग घूमने, अजंता एलोरा केव्स और बीबी का मकबरा और भी एक दो चीज़ें देखेंगे। तो यार फटाफट से चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। जाना तो मैं बहुत पहले था मगर मैं बहुत लेट सो के उठा और भी वगैरह वगैरह। तो अब चलते हैं, बाकी बातें करेंगे रास्ते में या फिर पहुंच के आप लोगों से औरंगाबाद। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को चले हुए और अभी तक हम औरंगाबाद नहीं पहुंचे हैं। औरंगाबाद अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 52-53 किलोमीटर दूर है। रोड बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी, पूरे खड्डों से भरी पड़ी और बिल्कुल भी चल नहीं रही है गाड़ी ज़्यादा स्पीड में। और अभी हम रुके हैं यहाँ के पीछे, यहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे, देखते हैं थोड़ा सा यार एनर्जी ला शरीर में, क्योंकि बिल्कुल गाड़ी में भी बैठ के शरीर दर्द हो गया। तो चलो अभी खाते हैं और इसके बाद सीधा औरंगाबाद में मिलते हैं। हाँ तो यार हम पहुँच चुके हैं एलोरा केव्स। इससे पहले हम लोग गए थे ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है। हम वहाँ गए थे, वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे फ़ोन अंदर नहीं लेके जा पाए। फ़ोन तो छोड़ो, वहाँ तो उन्होंने टी शर्ट भी उतरवा दी थी जेंट्स की, जिसने शर्ट टी शर्ट जो भी पहना कुछ भी अलाउड नहीं था। तो अब मैं आ चुका हूँ एलोरा केव्स, एक बार दिखाता हूँ। हमने ली थी वहाँ से एंट्री पीछे से, वो आपको दिख रहा हो, वहाँ पे एंट्री होती है पर पर्सन की 40 रुपीज़ की। तो हमने पे करे हैं 4 लोगों के 160 रुपीज़। और यहाँ पे टोटल 34 गुफाएं हैं जो कि शायद 6 बजे बंद हो जाएंगी। ऑलरेडी टाइम 5 बज चुका है, 1 घंटे में देखते हैं क्या क्या घूम पाते हैं, कितने घूम पाते हैं। तो मैं एक बार दिखाता हूँ उस तरफ का व्यू आपको। भाई साहब वहाँ से आए थे हम लोगों ने करी थी वहाँ से एंट्री। यहाँ भी दिल्ली मेट्रो की तरह टोकन का हिसाब है, टोकन घूम गया तो 100 रुपीज़ फाइन है। होय क्या सुंदर है यार, कहाँ चढ़े पड़े हैं देखो लोग। चलो यार आगे फटाफट से घूमते हैं। टोटल 34 हैं गुफाएं जो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। चलो ये देखो यहाँ लिखा हुआ वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा केव्स। तो चलते हैं आगे धीरे धीरे, फिर आगे आगे चल के बात करते हैं। हाँ तो ये है पहली केव मेरे पीछे, ये रही। ऐसी 34 है, घूम तो सारी नहीं पाएंगे, अब देखते हैं कितनी कितनी घूम पाएंगे और कितनी नहीं घूम पाते हैं। तो चलते हैं फटाफट से पहली केव के अंदर। वार्निंग दी हुई है, शाउटिंग टीजिंग और क्लिकिंग फोटोज ऑफ इंडिविजुअल विदाउट कंसेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड ऑफेंडर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये है एंट्रेंस पहली केव की। बहुत सुंदर सुंदर भाई साहब, ओ भाई साहब क्या तगड़ा है। चल वहाँ लोग बैठे हुए ऊपर चढ़ के। काफी सुंदर है यार, अंदर रास्ता जा रहा है जहाँ पे हम लोग जूते उतार के अंदर जाते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं अंदर की शिवलिंग बना हुआ है, देखो यार कैसे पहाड़ काट 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 के क्या सुंदर वो बनाई हुई है। जो बाकी 34 है वो भी शायद ऐसे ही होंगी सारी, ज़्यादा तो कोई ऐसा फ़र्क होगा नहीं। वो देखो अगर दिख रहे हैं तो देखो लोग कहाँ चढ़े पड़े हैं, वो देखो भाई साहब इतने ऊपर पहुँचे हुए हैं।
अभी तक ये पहली गुफा घूम रहे हैं हम लोग, मुझे तो लगता है दूसरे पता नहीं 2 या 3 भी घूम पाएंगे या नहीं। अब फटाफट से आगे गुफा में चलते हैं, दूसरी वाली जा रहे हैं, दूसरी केव्स के अंदर। और ऑलरेडी 5:50 हो चुके हैं। ये कौन आ रहा है पीछे से बाइक आ गई, बाइक लेके गए हैं, क्या बात है। तो मैं क्या कह रहा था, अब हम जा रहे हैं सेकंड केव्स के अंदर। 5:50 ऑलरेडी हो चुके हैं और 6 o'clock केव्स बंद हो जाएंगी। और 10 मिनट में फटाफट देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं। तो आप आके चलते हैं एक बार सेकंड केव्स के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता कहाँ से अभी अभी हम आए हैं। ये है वो देखो पुल जहाँ से अभी बाइक वाले लेके आए थे भाई साहब इतनी तेज़ी में। ये वो रास्ता, अब हम जा रहे हैं सेकंड केव्स की तरफ। वो वहाँ लोग खड़े दूर दिख रहे हैं, वो रहे। हम आ चुके हैं सेकंड केव की तरफ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, केव नंबर 17A। अच्छा ये केव नंबर 17 है, मगर ये हमारे लिए तो केव नंबर सेकंड है, क्योंकि भाई हमने तो अभी तक एक ही देखी है, दूसरी है ये। और भी सारी जो केव्स हैं मैं आप यहीं से दिखा देता हूँ, मेरे को लगता है जाने देंगे गार्ड्स, क्योंकि 6 बनने वाले हैं वो। 1, 2, 3 ऐसे करते करते सारी आगे तक पूरी, ऐसे पीछे तक पूरी केव्स ही केव्स हैं। इसके अंदर चलते हैं फटाफट से, देखते हैं अंदर चल के क्या है। और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, आगे पूरा घूम के रास्ता वहीं से बाहर ही आ रहा है। अच्छा हाँ यही रास्ता है, वो पूरा जो गोल घूम के अंदर से आ रहा है अंधेरे में। यहाँ पे बने हुए हैं गणपति जी, केव नंबर हमारे लिए 3 और इसमें लिखा 21। ये भी मेन केव है, जो 21 है, 16 है, 12 है, ये सारी मेन केव है। और वो जितना आपको पीछे वहाँ पे उधर सारा पहाड़ दिख रहा है ना, ये सारा जहाँ एंड हो रहा है ये सारी केव्स है वहाँ तक। ये जितना मैं जूम करूँ यहाँ से, ये सब की सब केव्स है। एक बार देखो यार कितना सुंदर बना हुआ है। और फटाफट से ये मेरे को लग रहा है शायद आखिरी केव होगी जो हम देख पाएंगे। और ये भैया ने बताया है जो वहाँ बैठे हुए हैं वो, कि ये मेन केव है। वैसे 16 थी जो हमारे लिए केव नंबर 1 थी, उस केव का नंबर था 16। ये केव नंबर 21 कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, दिस केव। क्या सुंदर बनी हुई है यार ये। और ये रास्ता यहाँ पे शायद बंद किया हुआ है क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जाने नहीं दे रहे। ओ भाई साहब क्या सुंदर सुंदर बनी हुई है, यहाँ से भी रास्ता बंद है। बहुत पढ़ा था इन केव्स के बारे में हम लोगों ने जब हम छोटे थे SST में अपनी, आज देख भी ली। एलोरा केव्स, जो अजंता केव्स है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, वो भी बिल्कुल ऐसी बनी हुई है, मगर जो लोग मोस्टली आते हैं वो यहीं पे आते हैं एलोरा, क्योंकि अजंता थोड़ी दूर पड़ती है यहाँ से। तो यार अब 2-3 केव्स हम लोगों ने घूम लिए, और तो घूम पाएंगे नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि 6 बजे बंद हो जाएगी, अब बंद कर दी है। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो चलो चलते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं अब शिरडी में, क्योंकि औरंगाबाद का रास्ता तो मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ही टूटा पड़ा है, और अंधेरे में तो आपको क्या ही दिखाना क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर शिरडी में। हाँ तो यार अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग वापस शिरडी पहुँचे औरंगाबाद से, बहुत टाइम लग गया आने में, जैसे कि पता ही है, बताया ही है मैंने कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है,
अच्छा हाँ, और एक मैं और बताना चाहता था कि मैं जहाँ यहाँ पे रुका हुआ हूँ शिरडी में, ये है द्वारकावती भक्ति निवास। आप लोग जो भी यहाँ पे शिरडी आए वो यहाँ पे रुक सकता है। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छी जगह है, और ये मंदिर के भी बहुत ज़्यादा पास है। इसको आप लोग बुक कर सकते हो नेट से, इनकी साइट है द्वारकावती भक्ति निवास, लिखोगे उसके वहाँ पे नीचे लिंक आ जाएगा। और शायद मिनिमम 2 महीने पहले आप लोगों को इसकी बुकिंग करानी पड़ती है। अच्छा, और मैं औरंगाबाद का भी बता देता हूँ, फिर कोई बाद में पूछे कि आप बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि बीबी का मकबरा जाएंगे और ये वो। वहाँ हम लोग इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमें सुबह ही बहुत, हम यहाँ से एक तो पहले लेट निकले, ठीक है, और लेट निकले उसके बाद हमें वहाँ पे ज्योतिर्लिंग पे टाइम लग गया क्योंकि वहाँ भी बहुत भीड़ थी। फिर एलोरा, वो हमें सिर्फ 1 घंटे देखने को मिलेगी, मगर वो इतनी बड़ी थी कि अगर हम पूरा दिन भी घूमते तो भी नहीं घूम पाते। और जो बीबी का मकबरा था वो उससे भी 30 किलोमीटर आगे था। अब आप ये सोचो उस 30 किलोमीटर में भी उस ऐसी रोड पर जाने को ना हमने फिर अवॉइड किया कि भाई हम नहीं जा सकते, हमने मना कर दिया था भैया को, भाई हम नहीं जा पाएंगे, तो हमें भाई वापस ले चलो। तो बस यार अब इतना ही, अब जाएंगे हम कल वापस दिल्ली, हमारी यहाँ से ट्रेन है सुबह कल 12 बजे की। तो ठीक है यार, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी कोई नई वीडियो के साथ और कोई नई जगह पर, तब तक पुरानी वीडियोस देखते रहो, मज़े लेते रहो। बाय बाय।